खुशी के कुछ लम्हे गम में बसते जीवन को पर्दे पे बुनते सिनेमा इस हफ्ते। गुरुदत्त की लाजवाब फिल्म थी साहेब बीवी और गुलाम और जाने माने निर्देशक तिग्मांशु धूलिया लेकर आ रहे हैं फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर। कौन है साहेब, कौन है बीवी और कौन है गैंगस्टर, जाने की कोशिश की हमारे प्रोड्यूसर शैलेंद्र वर्मा ने इस फिल्म के निर्माता राहुल मित्रा से। फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर बनकर तैयार है। फिल्म का थिएट्रिकल प्रोमो बीते शुक्रवार रिलीज हुआ शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डॉन 2 के साथ। फिल्म के निर्माता राहुल मित्रा से पूछा कि फिल्म के प्रोमो को फिल्म इंडस्ट्री और जनता से कैसी प्रतिक्रिया मिली। देखिए रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिला और जो हमारा फर्स्ट लुक था फिल्म का उसमें जो हमारी हमने पंच लाइन यूज की है, ऑफकोर्स हमने अभी पोस्टर तो रिवील किया नहीं है लेकिन फर्स्ट लुक बहुत ही लोगों को पसंद आए और थिएट्रिकल प्रोमो से हम बहुत ज्यादा इंकरेज हुए। हासिल के निर्देशक तिग्मांशु धूलिया से ट्यूनिंग कैसी रही। किसी भी प्रोजेक्ट में एक ऐसे सेटअप में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का एक रैपो होना जैसे आपने कहा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं मुझे मालूम है, जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं उनको मालूम है। तो एक भी ऐसा पल नहीं था जहां पे कोई भी प्रॉब्लम थी या हम दोनों इधर या उधर देख रहे थे। सो आई थिंक रैपो बहुत ही अच्छा है, मेरे दोस्त भी हैं वो कुछ सालों से और अब मेरे पार्टनर हैं ऑफिशियली, बहुत मजा आया उनके साथ काम करके और आई थिंक ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, राइटर तो उनसे अच्छा कोई है नहीं हिंदुस्तान में। न्यूयॉर्क के छायाकार रह चुके असीम मिश्रा ने फिल्म को एलेक्सा पर शूट किया है। असीम के साथ काम करने के अनुभव कैसे रहे। देखिए जब हमने सोचा ये फिल्म बनाने का तो तिग्मांशु और हम दोनों बहुत क्लियर थे कि हमको असीम ही चाहिए। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, न्यूयॉर्क, बैंड बाजा बारात, सारी अच्छी बड़ी फिल्में हैं और बड़े के साथ साथ आई थिंक हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। एक तो सबसे मजेदार चीज है कि 29 दिन में हमने पूरी फिल्म को खत्म कर दिया, तो 29 डेज में, और मुझे लगता है शायद एक ही दिन ऐसा होगा जब हमने ब्रेक ली हो। तो हमको एकदम एक मशीन की तरह काम करना था और वैसी मशीन जिसका दिल भी हो, सो इट वॉज पुटिंग हार्ट इन टू आर्ट। माही गिल दबंग के बाद अब साहेब बीवी और गैंगस्टर में दिखेंगी, तो माही गिल का ये अवतार कैसा है। ट्यूनिंग सब आर्टिस्ट के साथ होनी बहुत ही जरूरी है, अगर आप स्पेशली इतने ऐसे टफ कंडीशंस में शूट कर रहे हैं। हम ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ नोवेयर जहां पे हमने शूटिंग करी बारिया में, वहां दूर दूर तक सुविधाएं नहीं थी, काफी दिक्कत आई। और माही का रोल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत पावरफुल रोल है। आई थिंक इट इज अ राइज ऑफ द वुमन पावर। बहुत समय के बाद एक ऐसी फिल्म ऑडियंस देखेगी पर्दे में जिसमें एक वुमन प्रोटैगनिस्ट का रोल है और एक ऐसा रोल कि उनको मालूम है उनको क्या चाहिए और वो हासिल करेंगे। वो तिग्मांशु धूलिया की इस फिल्म में दर्शकों को क्या नयापन देखने को मिलेगा। इस फिल्म में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप तिग्मांशु की पिछली फिल्मों से आपको डिफरेंट लगेंगी। मसलन हमारी फिल्म में बहुत अच्छे और बहुत बड़े गाने हैं। जब मैं बोलता हूं बड़े मतलब गाने का जो स्केल है, जब आप देखेंगे और सारे गाने, एक गाना रेखा भारद्वाज जी ने गाया है, एक श्रेया घोषाल ने गाया है, हमारे जो टाइटल ट्रैक्स हैं बड़े बड़े गाने, एक इसमें रॉक कवाली है तो म्यूजिकल भी है एक तरह से, कि इतने बड़े बड़े गाने हैं। और वुमन पावर माही का जो कैरेक्टर, तो मेरा ख्याल अच्छी बात है, समय के साथ अगर एक राइटर डायरेक्टर इवॉल्व करें तो इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। गोली कितने की? 250 की। गोली कीमत तो ज्यादा होनी चाहिए ना, जान तो ये लेती। जिमी शेरगिल तिग्मांशु धूलिया के चहेते अभिनेता हैं, तो इस बार जिमी दर्शकों के सामने किस अंदाज में आ रहे हैं। जिमी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और काफी फिल्में कर चुके हैं लेकिन इस फिल्म में जिमी की जो लुक है और जिस तरह से उनको उनका जो कैरेक्टराइजेशन है, जिस तरह से तिग्मांशु ने लिखा है और जिस तरह से जिमी ने उसको निभाया है, मैं समझता हूं ये सारी चीजें जब निकल के आएंगी बाहर तो बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर, लोगों को बहुत पसंद आएगा जिमी साहिब के रोल में। साहिब बीवी और गैंगस्टर का एक गाना आरिफ लोहार से गवाया है, इसे लेकर अभिनेता सैफ अली खान के साथ कुछ विवाद सुनने में आ रहा है। आरिफ लोहार कोक स्टूडियो के बहुत सारे वर्जन हैं गाने के,
जुगनी, चंबे दी बूटी, और ये फोक सॉन्ग है, फोक सॉन्ग के तो आप जानते हैं बहुत सारे वर्जन हैं। तो उनके पास, सैफ के पास एक पर्टिकुलर वर्जन के राइट्स हैं, और हमारे जो मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर और को प्रेजेंटर हैं इसके साथ सुनील बोरा, उनके पास एक दूसरे वर्जन के राइट्स हैं, उसी को लेकर ये मसला उठा था। लेकिन मुझे लगता है कि हम अलग अलग वर्जन हैं, हम सब कोई भी यूज कर सकता है। फिल्म 9 सितंबर को रिलीज होगी, अब इंतजार करें दर्शकों के जवाब का। खुशी के कुछ लम्हे गम में मस्ते, जीवन को पर्दे पे बुनते सिनेमा इस हफ्ते।